आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, एयर कंडीशनर गर्म तापमान से राहत देकर आपको ठंडक और सुकून का एहसास कराता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगातार एसी में बैठे रहने से आपको कितनी ज्यादा समस्याएं पैदा हो सकती हैं? ये आपके लिए बेहद हानिकारक हो सकता है, और तो और ये आपके जीवन को नरक भी बना सकता है। आखिर कहने का तात्पर्य ये है कि इससे इतनी बीमारियां हो जाती है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। आज हम एसी के नुकसान आपको बता रहे हैं। पहला नुकसान है बुखार या थकान। लंबे समय तक एसी में रहने से आपको लगातार हल्का बुखार और थकान बने रहने की समस्या हो सकती है। इतना ही नहीं, इसका तापमान ज्यादा कम करने पर आपको सिरदर्द और चिड़चिड़ाहट महसूस हो सकती है। अगर आप एसी से निकलकर सामान्य तापमान या गर्म स्थान पर जाते हैं तो आप लंबे समय तक बुखार से पीड़ित हो सकते हैं। अगला है जोड़ों में दर्द। लगातार एसी या कम तापमान में बैठना सिर्फ घुटनों की समस्या ही नहीं देता, बल्कि आपके शरीर के सभी जोड़ों में दर्द के साथ साथ अकड़न पैदा कर देता है और उनकी कार्यक्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। आगे चलकर ये हड्डियों से जुड़ी बीमारियों को जन्म दे देता है। अगला है ब्लड प्रेशर और अस्थमा। अगर आपके ब्लड प्रेशर संबंधित समस्याएं हैं तो आपको एसी से परहेज करना चाहिए। ये लो ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेदार होता है और सांस संबंधी समस्याएं पैदा करता है। अस्थमा के मरीजों को भी एसी के संपर्क में आने से तौबा करनी चाहिए। अगला है मोटापा। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये पूरी तरह सच है कि एसी के इस्तेमाल से आपके शरीर में मोटापा बढ़ सकता है। तापमान कम होने के कारण हमारा शरीर अधिक सक्रिय नहीं हो पाता और शरीर की ऊर्जा का सही मात्रा में उपयोग नहीं हो पाता, जिससे कि मोटापा बढ़ता चला जाता है। अगला है त्वचा की समस्याएं। एसी के दुष्प्रभाव के कारण आपकी त्वचा पर भी पड़ सकते हैं। यह आपकी त्वचा की प्राकृतिक नमी को खत्म कर देता है, जिससे आपकी त्वचा में रूखापन महसूस होता है और आपकी त्वचा जगह जगह से ड्राई होने के कारण फटने लगती है। अगला है रक्त संचार। एसी में बैठने से शारीरिक तापमान कृत्रिम तरीके से ज्यादा कम हो जाता है, जिससे कोशिकाओं में संकुचन होता है और सभी अंगों में रक्त का संचार बेहतर तरीके से नहीं हो पाता। इससे शरीर के अंगों की क्षमता प्रभावित होती है। अगला है मस्तिष्क पर असर। एसी का तापमान बहुत कम होने पर मस्तिष्क की कोशिकाएं भी संकुचित होती हैं, जिससे मस्तिष्क की क्षमता और क्रियाशीलता प्रभावित होती है। इतना ही नहीं, आपको लगातार चक्कर आने की समस्या हो सकती है। ये था आज का आयुर्वेद समाधान जो लाइफस्टाइल को लेकर है। अगर आप ज़्यादा एसी में रहते हैं तो इससे परहेज करें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। आयुर्वेद समाधान में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।